Assalamualaikum. Students, आज लेक्चर नंबर 12, एग्लोमरेशन प्रोसेसेस कैन 1104 पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी में हम मजीद बात करेंगे एग्लोमरेशन के अंदर. आज हम कुछ इक्विपमेंट्स भी देखेंगे, कुछ प्रोसेसेस भी देखेंगे, किस तरीके से एक्चुअल एग्लोमरेशन के जो प्रोसेसेस हैं केमिकल इंडस्ट्री के लिए यूजफुल हो सकते हैं. आज के जो हमारे लेक्चर के कॉन्टेंट्स हैं उसमें यूनिट ऑपरेशन ऑफ मैकेनिकल प्रोसेस इंजीनियरिंग, एग्लोमरेशन प्रोसेसेस, tumble growth agglomeration, tumble agglomeration, pelletizing equipment, model of pellet nucleation mechanism, model of pellet formation mechanism, falling pan pelletizer, deep dish or pan pelletizer, movement of the charge in a pelletizing pan at different rotational speeds, different material flow patterns during revolution of boiling drums, difference between cascading and cataracting, motion of particles and zones in cataracting mode, flow sheet for boiling pan pelletizing system, flow sheet for boiling drums pelletizing system, rotary drum granulator recommended books. But is unit operations of mechanical process engineering ka kafi dafa hum baat kar chuke hain detail se kis tarike se aapke paas four major unit operations hain क्योंकि पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी या मैकेनिकल प्रोसेस इंजीनियरिंग में जो है वो मौजूद है. उसमें साइज रिडक्शन, उसका ऑपोजिट साइज एनलार्जमेंट, फिर आपके पास मैकेनिकल सेपरेशन है और पाउडर मिक्सिंग है. जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपके पास जो पाउडर मिक्सिंग है बाकायदा तौर पर उसके अंदर आपके पास कोई पार्टिकल साइज चेंज नहीं हो रहा. मैकेनिकल सेपरेशन में पार्टिकल साइज चेंज हो रहा, लेकिन आपके पास जो साइज चेंज हो रहा होगा वो साइज रिडक्शन में और साइज एनलार्जमेंट में हो रहा होगा. फिर जो प्रोडक्ट आप अचीव करते हैं मैकेनिकल सेपरेशन में और साइज रिडक्शन में, उस प्रोडक्ट को हासिल करने के लिए आपको कोई सेपरेशन का प्रोसेस लगाना पड़ेगा. जबकि पाउडर मिक्सिंग, ब्लेंडिंग या साइज एनलार्जमेंट के अंदर जो आपने प्रोडक्ट बनाना है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको कोई कॉम्बिनेशन मैकेनिज्म यूज करना पड़ेगा. यानी कि आप दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स हैं उनको कंबाइन करेंगे तो ही आपको जो है कोई पार्टिकल मिलेगा. तो ये सेपरेशन से बिल्कुल अपोजिट होगा. फिर जितने हमारे यूनिट ऑपरेशन हैं ये सारे के सारे हमारे जो यूनिट ऑपरेशन हैं ये ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ बल्क मटेरियल्स, इस ये जो ट्रांसपोर्टेशन है और स्टोरेज ऑफ बल्क मटेरियल्स है इन तमाम प्रोसेसेस पर एप्लीकेबल. अच्छा जी, अब हमारे पास जो एग्लोमरेशन प्रोसेसेस हैं उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मेजर एग्लोमरेशन प्रोसेस है वो टंबल एग्लोमरेशन या ग्रोथ और एजिटेशन एग्लोमरेशन पैलेटाइजिंग. तो हम इसको ये कह सकते हैं कि टंबल एग्लोमरेशन पैलेटाइजिंग आपके पास जो मेथड है इसके अंदर बेसिकली आप एग्लोमरेट्स को ग्रो कर रहे हैं और उसके अंदर जो एग्लोमरेशन का मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं वो कोई एजिटेशन है जिसको आप यूज कर रहे हैं. इसी तरह हमारे पास जो दूसरा मेथड है वो प्रेस एग्लोमरेशन या कॉम्पैक्शन, कि आप किस तरीके से प्रेशर को यूज करके आप जब कॉम्पैक्ट करते हैं तो आपके पास जो एग्लोमरेट बनता है हम इसके अंदर प्रेस एग्लोमरेशन यूज कर रहे हैं. प्रेस एग्लोमरेशन की फर्दर सब टाइप्स हैं कि आपके पास कॉन्टिन्यूस शीट्स होंगी या तो प्रेस एग्लोमरेशन में या आपके पास कुछ सॉलिड फॉर्म्स होंगी. मिसाल के तौर पर जैसे हमें टैबलेट्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए टैबलेट्स और ब्रिकेट्स हमने ये सॉलिड फॉर्म्स देखी हैं. तो कॉन्टिन्यूस शीट्स के अंदर आपके पास जो प्रेस एग्लोमरेशन है, जैसे आपके पास ये देखिए कि हम जो बाजार से आप जो लकड़ी के दरवाजे बेसिकली लेके आते हैं वो तो लकड़ी के दरवाजे नहीं होते बल्कि आपके पास कोई जो सॉ डस्ट वगैरह इस तरह का मटेरियल है जिनको बाइंडिंग मैकेनिज्म के जरिए आप कॉन्टिन्यूस शीट्स के अंदर कॉम्पैक्ट करके जो है कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके बाद उसके ऊपर लेमिनेशन कर देते हैं और फिर आप उनको दरवाजों के साइज में काट लेते हैं. तो ये इस तरह की कॉन्टिन्यूस जो शीट्स होंगी उनके हम बात कर रहे हैं कि वो प्रेस एग्लोमरेशन होगी. जो एग्लोमरेशन थर्ड टाइप है प्रोसेस की उसकी, उसमें आपके पास सिंटरिंग और जो सिंटरिंग है बेसिकली ये थर्मल प्रोसेसेस होंगे. ये जो पहले दो प्रोसेसेस हैं ये थर्मल प्रोसेसेस नहीं है. इन दो प्रोसेसेस के अंदर यानी कि टंबल एग्लोमरेशन के अंदर और प्रेस एग्लोमरेशन के अंदर आपके पास कोई हीटिंग का मैकेनिज्म, कोई हीटिंग जो है वो अप्लाई नहीं हो रही, लेकिन सिंटरिंग के अंदर आप हीटिंग कर रहे हैं बाकायदा तौर पर, आप कोई थर्मल प्रोसेस लगा रहे हैं, हीटिंग जो मैकेनिज्म है वो उसके अंदर यूज हो रहे हैं.
अच्छा, अब आप ये देखिएगा, हमारे पास यहाँ पर ये जो डायग्राम ए है, इसके अंदर जो मैकेनिज्म शो किया गया है वो टंबल ग्रोथ मैकेनिज्म शो किया गया है। दिस ए इज टंबल ग्रोथ मैकेनिज्म। तो आप ये देखिए किस तरीके से बेसिकली क्या है, ये आपको जो छोटे छोटे पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं हमारे पास यहाँ पर, ए जो है बेसिकली ये फीड मटेरियल है जिसको आप यूज कर रहे हैं एग्लोमरेशन के लिए और जिसकी मदद से आप कोई एग्लोमरेट बना रहे हैं। तो बेसिकली आपके पास ये जो है एग्लोमरेट बना हुआ है। अब ये क्या है कि ये एग्लोमरेट आपकी जो सॉलिड पार्टिकल्स है, इंक्लाइंड कोई प्लेन है, इंक्लाइंड का मतलब ये कि एंगल हॉरिजॉन्टल, ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल है, इंक्लाइंड है कि एंगल के ऊपर आप इनको जो है टम्बलिंग करवा रहे हैं इस एग्लोमरेट्स को, ये जो पार्टिकल्स है इनको टम्बल करा रहे हैं, इनको रोल करवा रहे हैं, और रोलिंग की वजह से आप जो है आपके ये जो पार्टिकल्स है सॉलिड पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। आपको ऑब्वियसली इसके अंदर बाइंडिंग मैकेनिज्म भी कुछ यूज करना पड़ता है, कोई बाइंडिंग मटेरियल भी यूज करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपके पास ये जो पार्टिकल एग्लोमरेट्स हैं ये टंबल होते जाएंगे, रोल होते जाएंगे और इनका साइज बड़ा होता जाएगा। ये देखिए यहाँ से साइज कंटिन्यूअसली बड़ा होता जा रहा है, और ये जो रोलिंग हो रही है, टंबलिंग हो रही है, ये एक कंट्रोल्ड वेलोसिटी वी के साथ ये टंबलिंग कर रहे हैं। तो ये आपके पास टंबल ग्रोथ एग्लोमरेशन है। ये डायग्राम बी देखिए, ये प्रेस एग्लोमरेशन है। प्रेस एग्लोमरेशन में किस तरह कि आपके पास ये ए जो आपके पास फीड मटेरियल है जिसके आप एग्लोमरेशन कर रहे हैं, कोई फोर्स एफ लगा रहे हैं, फोर्स एफ लगाकर आप कॉम्पैक्शन कर रहे हैं। जब आप कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, दबा रहे हैं अपने फीड पार्टिकल्स को, तो दबाने की वजह से कोई कॉम्पैक्टेड आपको एग्लोमरेट आपको हासिल हो रहा है, जो कि बेसिकली आपके पास प्रेस एग्लोमरेशन का मैकेनिज्म होगा। इस तरह देखिए आपके पास ये सिंटरिंग एग्लोमरेशन है, आपके पास जो सी है सिंटरिंग है, उसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है कि आपके पास ये फीड मटेरियल है, और आपके पास जो जो फीड मटेरियल है जिससे आप एग्लोमरेट बना रहे हैं, इस फीड मटेरियल को कोई हीट फ्लो दे रहे हैं क्यू, जो बेसिकली आपके पास जब ये क्यू डॉट लगा देते हैं, शायद आप लोग ये यकीनन यूनिट ऑपरेशन सीपीवी 1 में भी आप ये कर चुके होंगे कि हम जब इसको रेट देखते हैं, रेट ऑफ हीट, आप कितनी हीट फ्लो जो दे रहे हैं वैसे किस रेट के ऊपर दे रहे हैं, पर सेकंड, पर आवर, पर डे, पर ईयर, पर मंथ, क्या रेट है, तो ये उसको शो करने के लिए। तो हीटिंग की मदद से आपको जो है सिंटर एक आपको बन रहा है जो कि एग्लोमरेट की टाइप है, और ये आपका जो मैकेनिज्म है ये सिंटरिंग मैकेनिज्म होगा। अच्छा, अब जो टंबल ग्रोथ एग्लोमरेशन है, बेसिकली इस टंबल ग्रोथ एग्लोमरेशन के अंदर आप जो एडिशन ऑफ पार्टिकल्स है, देखिए आप लोग ऑलरेडी आपने देखा होगा ये डायग्राम के अंदर, ये यहाँ पर पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जो है वो एडिशन हो रही है। आपके जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, जब आपके ये एग्लोमरेट बनना शुरू हो जा रहा है, तो मजीद सॉलिड जो पार्टिकल्स हैं उनके वो अट्रैक्ट करते हुए एडिशन हो रही है टू द सर्फेस ऑफ द एग्लोमरेट, और ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। तो बेसिकली क्या है कि आपके पास जो टंबल ग्रोथ मैकेनिज्म है, जो टंबल ग्रोथ एग्लोमरेशन है, उसके अंदर हमारे पास एडिशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स टू वन अनदर भी हो सकती है, या वो एग्लोमरेट के साथ भी हो सकती है। उसके अंदर ये जो आपके पास जो एडिशन हो रही है, इसको आप कंट्रोल कर रहे हैं, बेसिकली आपके पास एक कंपटीशन, कॉन्टिन्यूसली एक कंपटीशन हो रहा है, और वो कंपटीशन है वॉल्यूम रिलेटेड सेपरेशन फोर्सेस और आपकी जो सरफेस रिलेटेड एडिशन फोर्सेस है। दो चीजें जिस तरह आप लोगों ने बॉल मिल में देखा था कि बॉल मिल में किस तरह हमारे पास एक तो आपके पास वेट फोर्सेस थी, और आपके पास जो थी उसके साथ साथ हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस थी। हमने देखा कि जब आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, तो आपकी जो बॉल मिल का जो पार्टिकल्स हैं वो सेंट्रीफ्यूज करना शुरू कर देते हैं, वो कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं करते। लेकिन जब वेट फोर्सेस या आपकी ग्रेविटेशनल फोर्सेस ज्यादा हो जाती हैं, तो वो अपना कांटेक्ट ब्रेक कर देते हैं और वो पार्टिकल्स नीचे गिर जाते थे। लेकिन इसी तरह हमारे पास जो एडिशन हो रही है पार्टिकल्स की विद वन अनदर, इसको भी ग्रोथ एग्लोमरेशन के अंदर या टंबल एग्लोमरेशन में इसको कंट्रोल किया जा रहा है बाय द जो जो कॉम्पिटिशन हो रहा है वो हो रहा है आपके पास वॉल्यूम रिलेटेड सेपरेशन फोर्सेस और सरफेस रिलेटेड एडिशन फोर्सेस के दरमियान। अच्छा, अब ये देखिए, ये आपके पास ये वॉल्यूम रिलेटेड सेपरेशन फोर्सेस कौन कौन सी हो सकती है, जो आपके पास वॉल्यूम रिलेटेड
हमारे पास सेपरेशन फोर्सेस हैं, उनके अंदर आपके पास ग्रेविटी है, इनर्शिया है, ड्रैग है, ये आपके पास वॉल्यूम रिलेटेड सेपरेशन फोर्सेस है। अच्छा, अब इनको वॉल्यूम रिलेटेड क्यों कहा गया है? आप खाली इनको सेपरेशन फोर्सेस क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि इनका वॉल्यूम के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। देखिए, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो आपका मैस भी ज्यादा होगा, तो आपके पास जैसे मैस ज्यादा होगा तो उसकी ग्रेविटी, इनर्शिया, ड्रैग, इन सारी चीजों पर उतना ही ज्यादा असर पड़ेगा। इसलिए हमने जो टर्म यूज की है, हमने वॉल्यूम रिलेटेड फोर्सेस की टर्म यूज की है, क्योंकि आपका जो मैग्नीट्यूड ऑफ सेपरेशन फोर्सेस है, इट ऑल्सो चेंजेस इफ द वॉल्यूम चेंजेस, बिकॉज व्हेन द वॉल्यूम चेंजेस द मैस चेंजेस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सेपरेशन फोर्सेस विल ऑल्सो चेंज। तो हमारे पास जब भी आपने परमानेंट एडिशन करनी है, आपने परमानेंट एडिशन करनी है, you want to have an agglomerate on which the solid particles are adhered permanently, uske liye aapki jitni bhi separation forces hain, the sum of all the separation forces in the system must be smaller than the attraction forces, yani ke bilkul usi tarah jaise ball mein tha, agar aapne permanent adhesion karni hai, aapne permanently apne solid particles ko ek dusre ke sath adhere karna hai, आपने परमानेंटली कोई एग्लोमरेट बनाना है जिसके साथ सॉलिड पार्टिकल्स स्ट्रॉन्गली सरफेस के साथ अटैच हो जाए, उस वक्त लाजमी है हमारे लिए कि जो सम ऑफ ऑल द सेपरेशन फोर्सेस हैं वो कम होनी चाहिए, वो थोड़ी होनी चाहिए एज कंपेयर टू द अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन द एडहेरिंग पार्टिकल्स। अच्छा, अब हमारे पास जो अट्रैक्शन फोर्सेस होती है, बेसिकली मैंने इसको आपके लेक्चर स्लाइड में मैंने एडिशन फोर्सेस को शामिल नहीं किया था, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, लास्ट लेक्चर में भी एक जो स्टूडेंट था उसका सवाल था कि इन अट्रैक्शन फोर्सेस के हवाले से, तो मैंने ऐड उसको स्लाइड में नहीं डाला, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं, आपके पास जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, बेसिकली फाइनर द पार्टिकल्स मोर विल बी द अट्रैक्शन फोर्सेस। अच्छा, अब हमारे पास जो ये अट्रैक्शन फोर्सेज होती हैं, आपके पास अट्रैक्शन फोर्सेस बहुत मुख्तलिफ किस्म के पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। सबसे ज्यादा जो रेलिवेंट है, आप लोग केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ चुके होंगे कि लंदन वैंडर वाल्स फोर्सेस जो है आपके पास अट्रैक्शन फोर्सेस को डिफाइन कर वैंडर वाल्स फोर्सेस हैं, ये क्या हैं? ये वो एडिशन फोर्सेस हैं कि जो कि आपके पास बेसिकली डिपेंड नहीं कर रही होती कि आपका मटेरियल की कॉम्पोजिशन कैसे है, आपके मटेरियल की फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, उसकी शेप रेगुलर है, इरेगुलर है, ये इन चीजों पे डिपेंड नहीं कर रही होती, बल्कि आपके पास कोई भी जो एटम है, आइदर इट इज अट्रैक्टेड बाय अनदर एटम और इट विल बी रिपेल्ड बाय अनदर एटम, तो आपके पास जो जिन चीजों की वजह से, जिन फोर्सेस की वजह से दो एटम्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो आपके पास बेसिकली लंदन वैंडर वाल्स फोर्सेस हैं, और ये जो फोर्सेस हैं ये हमारे पास सॉलिड मटेरियल की कॉम्पोजिशन या उसकी फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर बिल्कुल नहीं डिपेंड कर रही होती। अच्छा, हमारे पास हम बेसिकली जो लंदन वैंडर वाल्स फोर्सेस हैं इनको एज सच हम यूज नहीं करते, बेसिकली हमारे पास जो है हमने स्पेशल किस्म की इक्वेशंस हैं जो ड्राइव की गई हैं, हम उन इक्वेशंस को यूज करते हैं और उन इक्वेशंस की मदद से हम जो लंदन वैंडर वाल्स फोर्सेस हैं उनकी वैल्यूज वगैरह को कंप्यूट करने के लिए या आप सिमुलेशन वगैरह करने के लिए उनको यूज करते हैं। इसके साथ साथ आपकी जो एडिशन फोर्सेस हैं, एडिशन फोर्सेस के ऊपर या एडिशन के जो प्रिंसिपल, जो प्रोसेस है उसके ऊपर कुछ और प्रिंसिपल्स हैं, कुछ और चीजें हैं जो कि इफेक्ट कर सकती हैं। मसलन रिलेटिव ह्यूमिडिटी है कि अगर आपके प्रोसेस के अंदर ह्यूमिडिटी चेंज हो रही है या ह्यूमिडिटी जो है वो आपकी कॉन्स्टेंट नहीं है, उस वक्त आपकी जो एडिशन है वो चेंज हो जाएगी, वो उसके ऊपर भी कोई ना कोई उसकी जो वैल्यू है वो डिफरेंट हो जाएगी। इसी तरह तो पार्टिकल साइज और पार्टिकल जो शेप है, वैंडर वाल फोर्सेस के अंदर बेसिकली पार्टिकल शेप मैटर नहीं करती, लेकिन आप जब एडिशन कर रहे होते हैं, एडिशन में आपके पास पार्टिकल साइज और पार्टिकल शेप, इट ऑल्सो प्लेस अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन एडिशन। इसके साथ साथ आपके पास जो सरफेस रफनेस है,
मिसाल के तौर पर लेट से कि आपके पास जो सरफेस है वो एग्लोमरेट है, इतना रफ है कि उसके ऊपर कोई मजीद सॉलिड पार्टिकल्स अट्रैक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये भी हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। इसके अलावा नेचर ऑफ पार्टिकल्स या आपके पास नेचर ऑफ सरफेस मटेरियल कि वो किस चीज का मटेरियल है, मेटालिक है, नॉन मेटालिक है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, ये तमाम चीजें भी आपके जो एडिशन हो रही होगी उसके ऊपर असरदार हो रही होगी। इसके अलावा हाँ जो इन्फ्लुएंस ऑफ एग्लोमरेट्स है वो भी हमारे पास एडिशन पे असर अंदाज हो रहा है। मिसाल के तौर पर देखिए दो आपके पास फीड पार्टिकल्स हैं, वो उनकी अट्रैक्शन और होगी एज कम्पेयर टू द अट्रैक्शन ऑफ द फीड पार्टिकल्स ऑन द एग्लोमरेट सर्फेस। तो ये डिपेंड कर रहा है बेसिकली आपके एग्लोमरेशन का जो प्रोसेस था उसके ऊपर, आपके जो एग्लोमरेट है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। इसके साथ साथ हमारे पास जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि जब कभी कभार आप देखिए कि आपके पास आपको झटका सा लगता है कि बेसिकली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, या आप कभी कभार जब आपके पास स्टैटिक चार्ज आ जाता है आपके बालों में, आप अपने बालों में कंघी कर रहे होते हैं, और खासतौर पर अगर देखिए कि प्लास्टिक का ब्रश आप यूज कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि आपके बाल अगर सूखे हुए हों, खासतौर पर आप देखेंगे कि आपके कंघी से थोड़ा दूर है और वो आपके बाल जो अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो बेसिकली उसमें एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है। तो हमारे पास जो पार्टिकल साइज जब छोटा होता है उनके अंदर जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है वो भी ज्यादा होती है, तो इस वजह से आपके पास जो है वो भी एडिशन पे असरअंदाज हो रही होती है। कभी आप कभी गौर करें अपने घरों में देखिए, अगर आपके पास तो आपके पास जो स्विच वगैरह होते हैं उन स्विचों के पास अक्सर आप कोने कुदरों में देखेंगे डस्ट के स्पाइन डस्ट जो है बड़ी कलेक्ट हुई होगी। बेसिकली क्या होती है कि वहां पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज मौजूद है वो इलेक्ट्रिक चार्ज उन स्मॉल पार्टिकल्स के बहुत ज्यादा असरअंदाज हो रहा होता है और उन स्मॉल पार्टिकल्स को अपनी तरफ ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा होता है। इसी तरह जो आपके पास टेम्परेचर है, टेम्परेचर है वो भी एडिशन प्रोसेस के ऊपर बहुत ज्यादा असरअंदाज हो रहा होता है। और इसके साथ साथ हमारे पास जो एक्सटर्नल कोटिंग है आपके एग्लोमरेट को कुछ शेप देने के लिए, कोई इसको स्पेशल किस्म की प्रॉपर्टीज देने के लिए, वो जो उसकी कोटिंग है वो कोटिंग की जो विस्कोसिटी है वो विस्कोसिटी भी एडिशन के ऊपर बहुत ज्यादा असरअंदाज हो रही होती है। अच्छा, अब हमारे पास एक चीज तो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपके पास बेसिकली जब दो सॉलिड पार्टिकल्स आपने एक दूसरे के साथ एडियर कर रहे हैं या आपके पास एक एग्लोमरेट के साथ एडियर कर रहे हैं, तो बेसिकली आपकी जो फोर्सेस ऑफ एडिशन है वो डिफरेंट होंगी क्योंकि सरफेस डिफरेंट है। देखिए आपके पास इंडिविजुअल पार्टिकल्स है उनका कोई और सरफेस है, एग्लोमरेट का कोई और सरफेस है, तो इस वजह से आपकी जो फोर्सेस ऑफ एडिशन है वो टोटली डिफरेंट होगी। बेशक मटेरियल सेम था लेकिन वो आपके पास फोर्सेस वो डिफरेंट होगी। इसीलिए हमारे पास जो एग्लोमरेट होता है बेसिकली वो एग्लोमरेट जब किसी मजीद सरफेस के ऊपर रोल कर रहा होता है या सरफेस के साथ कॉन्टेक्ट कर रहा होता है वो डिफरेंटली बिहेव करता है एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल पार्टिकल्स। हत्ता कि अगर उन पार्टिकल्स का सेम साइज हो तो भी वो जो उसका बिहेवियर है वो ऑलमोस्ट डिफिकल्ट होगा। इसीलिए हमारे पास जब भी हम एडिशन की बात करते हैं तो हमें इन फिनोमिनाज को भी अपने साथ साथ उसका गौर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने ये मटेरियल आपकी स्लाइड में ऐड नहीं किया था लेकिन यह है कि सिर्फ बताने के लिए कि आपको थोड़ी बहुत इस बारे में, क्योंकि हम शायद इसको मजीद नहीं पढ़ेंगे, एक लास्ट में एक टॉपिक होगा जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स हम पढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर उसके अंदर कुछ मजीद इस तरह की चीज़ों का जिक्र आएगा, लेकिन उसके अलावा हम इसका मजीद जिक्र नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा मैंने आपको इसको डिटेल से बता दिया। अच्छा जी, अब अगर हमारे पास जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो अगर हमारे जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं बेसिकली उनका जो साइज है वो माइक्रोन, सब माइक्रोन या अगर नैनो रेंज में हो, नैनो रेंज का मतलब है कि आपके पास बेसिकली उसकी नैनो रेंज अगर 10 माइक्रोमीटर या आपके पास नॉर्मली ये जो माइक्रोन, सब माइक्रोन या नैनो रेंज है ये आपकी टिपिकली 10 माइक्रोमीटर से ये साइज रेंज शुरू हो जाती है। दीज आर द फाइन पार्टिकल्स साइज रेंज। अच्छा, अब ये जो आपके पास है जब इस तरह के पार्टिकल्स हों, जो फाइन पार्टिकल्स हों और उस वक्त आपके पास जो एडिशन है वो बेसिकली नेचुरली स्टार्ट कर जाती है, आपके पास जो एग्लोमरेट्स हैं वो नेचुरली अकर करना शुरू कर देती हैं व्हेन द सॉलिड पार्टिकल्स आर ड्राई। अगर आपके सॉलिड पार्टिकल्स ड्राई हैं आपके पास जो एडिशन का प्रोसेस है वो नेचुरली स्टार्ट हो जाएगा और एग्लोमरेट बनना शुरू हो जाएंगे
उस वक्त जब आपका पार्टिकल साइज माइक्रोन सब माइक्रोन या नैनो रेंज के अंदर मौजूद हो। अच्छा, इसीलिए हम खास तौर पे एक बात कहते हैं कि जो आपके पास जब लार्जर पार्टिकल्स हैं, अगर ये तो मैंने आपको स्मॉल पार्टिकल्स में बताया था कि अगर स्मॉल पार्टिकल्स हैं और माइक्रोन सब माइक्रोन या नैनो रेंज के अंदर, और वो पार्टिकल्स जो है उनके अंदर अगर वो ड्राई हैं तो नेचुरली उनमें जो है एग्लोमरेशन स्टार्ट हो जाएगी, एडिशन की वजह से एडिशन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जो आपके पास लार्जर पार्टिकल्स हैं, लार्जर पार्टिकल्स में नेचुरली कोई एडिशन स्टार्ट नहीं होगी, उसके लिए आपको एडिशन प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, और प्रोड्यूस करने के लिए आपको कोई बाइंडर मटेरियल ऐड करना पड़ेगा। कोई बाइंडर ऐड करेंगे तो ही वो आपकी जो है एडिशन होगी और आपका एग्लोमरेट बनेगा। या अगर आप बाइंडर मटेरियल आप ऐड नहीं करते, उसके अलावा आप जो है जो लार्जर पार्टिकल्स के केस में एडिशन फोर्सेस को मजीद स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अगर आप पार्टिकल कोलिजन का चांस बढ़ा दें। मैंने एक टर्म यूज की है बाय कंडीशनिंग द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कहते हैं किसी चीज के होने के अम्कान को, कि यार से कि आप अगर बाहर जाते हैं, अब आपके पास कितना आपके पास चांस है कि आपकी लॉटरी निकल आएगी। ये बेसिकली आपकी प्रोबेबिलिटी है कि कितनी आपके 50 लाख लोगों ने शायद लॉटरी लिया तो आप एक हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिकली स्टैटिस्टिक्स से इसका ताल्लुक है, किस तरीके से आप कोई चीज का कितना इम्कान है। तो हमारे पास जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, बेसिकली उन सॉलिड पार्टिकल्स के दरमियान में जो कोलिजन हो रही है, अगर आप उन सॉलिड पार्टिकल्स के दरमियान में कोलिजन को इंक्रीज कर दें और आप उसका जो चांस है उन कोलिजन का सिर्फ उनको भी इंक्रीज कर दें, तो आपके पास जो एडिशन है वो स्ट्रांग हो जाएगी और आपके लार्ज पार्टिकल्स को जो है ना एडियर करना आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ हमारे पास अगर हम पार्टिकुलेट सॉलिड्स की जो कंसेंट्रेशन है उसको इंक्रीज कर दें, पार्टिकुलेट सॉलिड्स की कंसेंट्रेशन को हाई कर दें, उससे भी हमारे पास जो आपकी जो एडिशन है वो स्ट्रांग हो जाएगी और आप स्ट्रांग एडिसिव फोर्सेस, ये बात हो रही है लार्ज पार्टिकल्स के केस में, जो स्मॉल फाइन पार्टिकल्स हैं उनमें ऐसा बिल्कुल नहीं था। अच्छा जी, अब खास तौर पर हमारे पास किस तरह के लार्ज पार्टिकल्स के अंदर और या आप किस तरह की जो कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस को अचीव करने के लिए हम बेसिकली डिफरेंट किस्म के इक्विपमेंट यूज करते हैं एग्लोमरेशन प्रोसेस के अंदर। उसमें आपके पास इंक्लाइंड डिस्क हैं, या आपके पास उसको डिस्क है या पैंस का नाम देते हैं। आजकल इनको नॉर्मली पैंस कम कहा जाता है, लिटरेचर के अंदर तो उनको पैंस का नाम दिया जाता है, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर उनको नॉर्मली डिस्क कहा जाता है। और उसके अलावा आपके पास रोटेटिंग ड्रम्स हैं, तो जिस तरह आपके पास ये रोटरी ड्रम है जिसके अंदर आपके ग्रैनुल्स वगैरह बनते हैं, तो वो उस तरह के आपके पास रोटेटिंग ड्रम्स हो सकते हैं। इसी तरह आपके पास पाउडर मिक्सर हो सकते हैं, कोई फ्लूडाइज्ड बेड है। ये फ्लूडाइज्ड बेड जो है हम इसको डिटेल से फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, थोड़ा सा जब हम इसका जिक्र आएगा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, एक वीडियो भी शो करूंगा किस तरीके से बेसिकली आपके पास जो है फ्लूडाइज्ड बेड का जो प्रोसेस है वो हो रहा होगा। अच्छा जी, हमारे पास जो टम्पल एग्लोमरेशन है उसके अंदर जो पैलेटाइजिंग इक्विपमेंट है, बेसिकली उसके अंदर आपके पास बॉलिंग ड्रम एंड बॉलिंग पैन। ये बेटा आप लोगों ने टर्मिनोलॉजी से घबरा नहीं जाना, जैसे मैंने अभी आपको बताया बॉलिंग का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया गया कि बेसिकली आपके जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो गोल गोल घूम रहे होते हैं, इसलिए टर्म बॉलिंग इस्तेमाल की गई है कि बॉल की तरह, वो बॉल की माने आपको जो स्फेरिकल पार्टिकल्स को मिलेंगे वो बॉल की माने गोल गोल घूम रहे होंगे, इसलिए बॉलिंग ड्रम या बॉलिंग पैन का यूज किया गया। पैन अगर आपकी ओपन है, आपके वो जो इक्विपमेंट है ओपन है, उसके लिए इंडस्ट्री में उसको बहुत अक्सर वो डिस्क का नाम दिया जाता है, तो आप उसको बॉलिंग पैन कहेंगे, बॉलिंग डिस्क कहेंगे या खाली डिस्क पैलेटाइजर कह देंगे। अगर वो ड्रम है तो उसको आप जो है बॉलिंग ड्रम या आप उसको रोटरी ड्रम, जो ज्यादा कॉमनली यूज की जाती है वो रोटरी ड्रम वगैरह की ड्रम आप यूज करते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये बॉलिंग ड्रम का एक आपको स्कीमेटिक डायग्राम दी गई है, किस तरीके से बेसिकली एक उसका स्केच है कि आपके पास बेसिकली आपके पास जो ड्रम बना होगा, ये अगर आप ड्राइंग के अंदर, अभी आप लोगों ने ड्राइंग के अंदर जब हम टॉप व्यू वगैरह वगैरह बनाते हैं, तो आपके पास अगर जो ड्रम है उसको दिखाने के लिए कि ये क्लोज एक ड्रम है और इस तरीके से आपके जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं बेसिकली ये ड्रम के अंदर रोटेट कर रहा है, ये उसका एक्सिस है, ये ड्रम जो है अपने एक्सिस के अगेंस्ट ये कॉन्टिन्यूसली रोटेट कर रहा है,
और ये पार्टिकल्स उसके साथ साथ रोटेट कर रहे हैं, और इस रोटेशन की वजह से आपके जो एग्लोमरेट्स हैं जो कि पैलेट की फॉर्म में आपको पी जो पैलेट्स है वो आपको डिस्चार्ज पर ये पैलेट्स मिल रहे हैं। फिर ये देखिए कि आपके पास यहाँ से भी यही शो किया गया है कि आपके पास ये वाटर इसके अंदर ऐड किया जा रहा है, बेसिकली आप वाटर ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, जो आपके पास कोई फीड मटेरियल मौजूद था, जैसे कि आपके पास ये देखिए ये फीड मटेरियल आप ऐड कर, ये देखिए ये फीड मटेरियल है, यहाँ से आप कोई वाटर भी ऐड कर रहे हैं, तो आपके पास ये फीड मटेरियल के साथ साथ वाटर ऐड किया जा रहा है और ये फिर साथ साथ ये सर्कुलेट कर रहा है, घूम रहा है, तो वाटर एज अ बाइंडिंग जो मटेरियल के तौर पर यूज किया जा रहा है और आपको वो पैलेट्स दे रहा है। इसके मुकाबले में जो बॉलिंग पैन है, कोई ओपन पैन है, अभी देखिए कि ये ड्रम नहीं है बेसिकली, इसको अगर आप दोबारा उस डायग्राम को कंपैरिजन से देखें, ये बेसिकली दरमियान में एक्सिस है, ये पूरा ड्रम है, एक रोटरी ड्रम है, लेकिन ये ओपन है, जैसे आपके पास पैन होता है, आपके पास परात है, ये उस तरह का आपके पास एक पैन है और आपके पास उस पैन के अंदर बेसिकली ये पैन इस तरीके से मूव कर रहा है और पैन के अंदर आपके जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो इस तरीके से मुसलसल बॉलिंग मूव कर रहे हैं और आपको ये एग्लोमरेट्स मिल रहे हैं। इसके अंदर भी बेसिकली क्या हो रहा है आपके पास कि जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म के अंदर हमारे पास जो आपके पास यहाँ पर हम फीड मटेरियल है, आपने कोई फीड मटेरियल डाल दिया, उसके बाद आपको यहाँ पे पैलेट्स मिल रहे हैं और उन पैलेट्स को बनाने के लिए आप कोई वाटर मैकेनिज्म वगैरह कोई उसका वाटर यूज कर रहे हैं जो उसको बाइंड करवा रहा है और जिसकी मदद से आपके ये एग्लोमरेशन का प्रोसेस हो रहा है। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसे कहते हैं मॉडल ऑफ पैलेट न्यूक्लिएशन मैकेनिज्म। बेसिकली जो आपकी पैलेट का स्टार्ट, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था एग्लोमरेट्स की जब बात की थी, मैंने बार बार सीडिंग का नाम दिया था कि सीड बनते हैं, तो बेसिकली आपके पैलेट किस तरीके से छोटे से वो बड़ा आपका साइज इंक्रीज कर जाता है, तो वो पैलेट, उसको नाम है पैलेट न्यूक्लिएशन। वो न्यूक्लिएशन का किस तरीके से होगा, ये देखिए आपके पास बेसिकली क्या है कि आपके पास कोई दो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं और उसके दरमियान में देखिए आप ये जो ये वाला हिस्सा है सॉलिड से शो किया गया है और आप जो बाइंडिंग मैकेनिज्म, फॉर एग्जांपल अगर वाटर यूज कर रहे हैं तो ये बाइंडिंग मैकेनिज्म उसके अगेंस्ट दिया हुआ है, वाटर दिया हुआ है, ये सॉलिड पार्टिकल्स जब आप रोल कराते हैं कॉन्टैक्ट करते हैं तो ये आपके जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं ये आपस में कॉन्टैक्ट कर लेते हैं और कॉन्टैक्ट करने के बाद आपके पास ये इस तरीके से जब मजीद कॉन्टैक्ट करते हैं तो सॉलिडिफाई होकर आपके पास उसके गैप्स वगैरह खत्म हो जाते हैं। अब ये आपके पास एक इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपकी जो पैलेट है उसकी ग्रोथ होती है। वो ये न्यूक्लिएशन का प्रोसेस का क्या मतलब है कि पहले आपके इंडिविजुअल पार्टिकल से वो ग्रो करते हुए वो एक लार्ज पैलेट एग्लोमरेट आपको बन गया है। ये हमारे पास बेसिकली मैकेनिज्म है पैलेट न्यूक्लिएशन का। अच्छा, फिर इसी तरह हमारे पास पैलेट फॉर्मेशन का एक मैकेनिज्म है कि आपके पास पैलेट जो फॉर्मेशन है उसके अंदर बेसिकली किस तरीके से आपके पास पैलेट फॉर्मेशन हो रही है। एक ये आप देखें स्टेज ए देखें तो बेसिकली आपके पास क्या है कि ये आपके पास एक वेट एग्लोमरेट मौजूद है, वेट एग्लोमरेट मौजूद है और ये फीड स्मॉल फीड पार्टिकल्स है, आपका एग्लोमरेट बनना शुरू हो गया है और उसके साथ साथ जो फीड पार्टिकल्स है वो पहले आपके पास यहाँ पे आके जो है कॉन्टेक्ट में आते हैं। स्टेज बी में देखें कि जब वो आके बैलेंस होते हैं, फिर स्टेज सी में देखें कि वो आगे फर्दर जो है थोड़े से स्लिप होते हैं क्योंकि कॉन्टिन्यूसली ये रोल हो रहा है, और स्टेज डी में देखें कि वो अपनी जगह बनाकर एग्लोमरेट में फिक्स हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। तो बेसिकली ये जो स्मॉल फीड पार्टिकल्स हैं वो किस तरीके से आपके सरफेस ऑफ वेट एग्लोमरेट्स पर जो है वो कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से वेट एग्लोमरेट का हिस्सा बन रहे हैं, दिस इज कॉल्ड मॉडल ऑफ पैलेट फॉर्मेशन मैकेनिज्म। अच्छा, ये देखिएगा कि एक हमारे पास डायग्राम है बॉलिंग पैन पैलेटाइजर की। बेसिकली बॉलिंग पैन पैलेटाइजर के अंदर जैसे कि आपको मैंने बताया कि एक पैन है, इंक्लाइंड पैन है, ये देखिए आपके पास ये एंगल है, आपके पास ये हमने यहाँ पर ये आपकी डिवाइस है बेसिकली कि जिसकी मदद से लीवर है जिसकी मदद से आप एंगल चेंज करते हैं कि एंगल आप इसको मजीद एंगल दे सकते हैं, इसको वर्टिकल मतलब वर्टिकल तो नहीं आपने खड़ा करना लेकिन इसका जो एंगल को कंट्रोल करने के लिए आप इसको इस जगह से ये जो नंबर 5 है ये आपकी डिवाइस फॉर चेंजिंग द पैन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इसकी मदद से आप एंगल चेंज करते हैं। फिर उसके अलावा आप ये देखिए ये आपकी पैन ड्राइव है बेसिकली जो चीज आपकी मोटर घुमा रही है इस पैन को रोटेट करा रही है तो ये आपकी पैन ड्राइव है। फिर इसके बाद ये देखिए कि जो नंबर 4 है बेसिकली आपके पास यहाँ पर
ये आपके पास एक बॉटम शियरर है, बेसिकली आपके एग्लोमरेट्स बन रहे हैं वो स्टिक कर जाते हैं, तो बेसिकली एक स्क्रैपर है, ये स्क्रैपर है जो कि आपके जो एग्लोमरेट्स बन रहे हैं उन एग्लोमरेट्स को साथ साथ जो है सरफेस से स्क्रैप करता जा रहा है, ताकि ये ना हो कि आपके सरफेस के ऊपर एग्लोमरेट्स जमना शुरू हो जाए तो वो आपकी कैपेसिटी को रिड्यूस कर दे। तो ये साथ साथ स्क्रैपर स्क्रैप करता रहता है, ये मोटर घुमाती रहती है और स्क्रैपर साथ साथ घुमाता रहता है। यहाँ से देखिए नंबर थ्री से आप जो वाटर है कॉन्टिन्यूसली आप जो है वाटर आप उसके अंदर ऐड करते रहते हैं, और वाटर ऐड करने के साथ साथ आप ये देखिए कि आपके पास जो ए है बेसिकली उसी तरह फीड मटेरियल है, यहाँ से आप फीड डालते हैं और यहाँ से आपने कोई वाटर डाल दिया और ये कॉन्टिन्यूसली रोटेट कर रही है और उसकी मदद से आपको जो एग्लोमरेट्स हैं वो आपके बन रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ पैलेट्स। इसी तरह मैंने डीप डिश और पैन पैलेटाइजर, ये जो डीप डिश है ये अब सिर्फ लिटरेचर में नाम यूज किया जाता है, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर डीप डिश पैलेटाइजर का नाम यूज नहीं किया जाता। इंडस्ट्री जो है इसको रोटरी ड्रम जो है इसको ग्रैनुलेटर के नाम से याद करती है, या रोटरी ड्रम कोई एग्लोमरेटर है उसके नाम से याद करती है। बेसिकली याद करने वाली बात क्या है कि आपके पास उसके अंदर कोई ड्रम है जो कि उसके अंदर से रोटेट कर रहा होगा, इसको उसके नाम डीप डिश या पैन पैलेटाइजर हमने उसको नाम दे दिया। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पर जो ये एक डिस्क है जो कि रोटेट कर रही है, और रोटेट करने के अंदर आपके पास ये एक स्क्रू कन्वेयर है आपके पास, और स्क्रू कन्वेयर के अंदर हम जो है आप ये स्क्रू कन्वेयर बेसिकली कॉन्टिन्यूसली आपकी कन्वेयर बेल्ट को चलाते हुए फीड मटेरियल को इंजेक्ट कर रही है। ये देखिए ये आपका फीड एड हो फीड आपकी एंटर हो रही है इस पैन पैलेटाइजर के अंदर, ये पैलेट्स आपको प्रोडक्ट आपको मिल रही हैं और आप यहाँ पर कॉन्टिन्यूस जो वाटर सप्लाई है वो वाटर सप्लाई कर रहे हैं, ताकि आपके जो एज अ बाइंडिंग मटेरियल आपका वाटर जा रहा है और आपको जो पैलेट्स हैं वो प्रोडक्ट जो आपको पैलेट्स हैं वो आपको यहाँ से डिस्चार्ज हो रहे हैं। बेटा ये थोड़ी सी कुछ डायग्राम हमारी वीडियोज हैं, सॉरी वीडियोज इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास ताकि इस प्रोसेस को हम जो है डिटेल से ज़रा समझ सकें कि ये प्रोसेस किस तरीके से बेसिकली हो रहा है, तो ज़रा हम ये वीडियोज़ को देखते हैं। अच्छा अगर आप ये वीडियो देखें तो बेसिकली हमारे पास ये एक डिस्क पैलेटाइजर है, अब आपके पास जो फीड मटेरियल है इस कन्वेयर बेल्ट के जरिए पे इस कन्वेयर बेल्ट के जरिए आपके पास जो है ये आपका आगे इंक्लाइंड एक डिस्क पैलेटाइजर लगा हुआ है। ये फीड मटेरियल है पाउडर फॉर्म में, आपका जो फीड मटेरियल है वो पाउडर फॉर्म में कन्वेयर की तरह आप एक कंटीन्यूअस फ्लो रेट के साथ आप उसको उसकी स्पीड वगैरह कंट्रोल कर रहे हैं। ये आपका पैन ये सॉरी जो ओपन पैन या ये डिस्क पैलेटाइजर है, इंडस्ट्री में इसको कॉमनली डिस्क पैलेटाइजर इसको कह रहे हैं, और आप जो ये आप ये नोजल देख रहे हैं टॉप से, यहाँ से इसके साथ साथ पीरियोडिकली इसके अंदर वाटर वगैरह इंजेक्ट किया जाता है, ताकि आप इसको जो बाइंडिंग मैकेनिज्म है उसको एडअप कर रहे हैं। ये इस तरीके से आपकी पैन रोटेट हो रही है, और जो आपके एग्लोमरेट्स हैं एग्लोमरेट्स बनने के बाद ये आप देख सकते हैं ये दाने आपके गोल गोल आपको जो एग्लोमरेट्स हैं वो आपके एग्लोमरेट्स आपको कॉन्टिन्यूसली वो आपको मिल रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो ये वो प्रोसेस है, आप देख सकते हैं कि आप किस तरीके से आपके पास ये स्फेरिकल किस्म के पार्टिकल्स हैं, और आप इनका जो ओवर साइज है फिर बाद में फर्दर स्क्रीन करके इनको क्रश करके ताकि आपके पास यूनिफॉर्म इसका साइज हो। तो इस तरीके से आपने शुरू में किस तरीके से आपके पास फीड मटेरियल था पाउडर फॉर्म में, और उसको आपने जो है इस तरह के यूनिफॉर्म स्फेरिकल एग्लोमरेट्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अच्छा जी, इस यहाँ पर ये देखिएगा कि लैब स्केल पर हमारे पास एक जो है पैलेटाइजर है, तो बेसिकली आप देख सकते हैं वही प्रिंसिपल है कि आपने मटेरियल डाल दिया है, इसके लिए हो सकता है कि आपको बाइंडिंग मैकेनिज्म ड्रॉपर की मदद से, तो ये लैब स्केल है आपने एग्लोमरेट्स बनाने के लिए कि पैन है पैन सेट किया हुआ है, और ये आप ऊपर टॉप पर देख सकते थे, अगर आप इसको दोबारा देखें यहाँ पे टॉप के ऊपर आपका जो पाउडर था और पाउडर के साथ साथ इस तरफ पैन के एज के ऊपर आपके वो एग्लोमरेट्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली एग्लोमरेट बनते जा रहे हैं। तो ये लैब स्केल आपके पास एक जो है पैलेटाइजर आपके पास था। इसी तरह हमारे पास एक और बड़ा जबरदस्त किस्म का रोटरी पैलेटाइजर है, तो इसको देखते हैं कि आपके पास ये रोटरी पैलेटाइजर किस तरीके से इसको इस्तेमाल कर रहा है। तो बेसिकली आप ये देखिए कि आपके पास जो फीड है ये फीड की ये डोजिंग हो रही है यहाँ से,
आप ये देखिए कि आपके पास ये फीड है कॉन्टिन्यूसली, इसके अंदर पहले साइकिल दिया जा रहा है कि आपके पास फीड जो पाउडर है उस पाउडर को आपने इंजेक्ट कर दिया है और ये कॉन्टिन्यूसली जो है आपका पैन है वो रोटेट कर रहा है और ये आप देख सकते हैं एग्लोमेरेट्स आपके पास ये बन रहे हैं। तो इसको पाउडर साइकिल उसका हमने इसको पाउडर साइकिल कह दिया था। ये जो नोजल आप नजर आ रही थी ये नोजली बेसिकली आपकी वाटर को या आपका जो बाइंडिंग मटेरियल है उसको ऐड करने के लिए ये नोजल लगाई हुई थी ताकि जब आप उसके अंदर पाउडर के साथ साथ आपने जो बाइंडिंग मैकेनिज्म के अंदर डालनी है, ये देखिएगा ऑलमोस्ट कि आपके पास 40 ml ऑफ जो सॉल्यूशन है आपका बाइंडिंग मटेरियल है वो मिस्ट की फॉर्म में ऐसे फुहार बनाते हुए मिस्ट देखिए आपके पास बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आपको नजर आ रही है, ये मिस्ट की फॉर्म में ये स्प्रे की जा रही है। अच्छा, इसके अंदर ये आपके पास ये डोजर है ऑटोमेटिकली आपका पाउडर के लिए जो डिस्पेंसर है जहाँ से आपके पास पाउडर जो है जो आप सीड पाउडर है जो यूज कर रहे हैं उस पाउडर को कॉन्टिन्यूसली वो डिस्चार्ज कर रहा है। देखिए उसके खास अमाउंट के साथ वो कॉन्टिन्यूसली उसको डिस्चार्ज करता जा रहा है। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि आपके पास यहाँ पर ये डिस्चार्ज उसको करने के लिए वो बाइंडिंग जो मटेरियल है वो ऐड करता जा रहा है और आपके पास ये एग्लोमरेट्स वगैरह जो थे वो बनते जा रहे थे। इसके साथ साथ इस प्रोसेस के अंदर जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि इसको आप वेट को किस किस तरीके से मेजर करें। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर जो सारे सेंसर्स हैं कंप्यूटर स्विचेस वगैरह है वो सारे ये आपका कंट्रोल सिस्टम है जो लगा हुआ है इस सारे प्रोसेस को ऑटोमेटिकली चलाने के लिए। और इसको आप अगर यहाँ पर ये देखिए कि आपके पास ये ब्लैक सी आपको यहाँ पर ये नजर आ रही है बेसिकली, तो ये आपके पास हमारे पास यहाँ पर ये स्विचेस और ये वेट बैलेंसेस हैं जिसकी मदद से आप बेसिकली ये वेट की मदद से आप इसको बैलेंस कर रहे हैं। तो जब आपके पास जैसे ही अगर पाउडर का जैसे आपने देखा था ये डिस्पेंसर तकरीबन पाउडर से खाली होने वाला था, तो डिस्पेंसर जैसे खाली होता है तो इसका मतलब डिस्पेंसर का पाउडर का वेट कम हो गया है और आपके लिक्विड का वेट ज्यादा है, तो वो क्या करेगा आपके पास जो यहाँ पर वो जो आपका वेट है वो सेंस करते हुए वो वेट को क्लोज कर देगा। एक मिनट अभी आप ये देखेंगे ये डिस्पेंसर है कंटिन्यूअसली आपको पाउडर को डिस्चार्ज कर रहा है और आपके पास ये देखिए थोड़ी थोड़ी देर बाद आप देखते हैं नोजल चलती है और वो आपके वहां से लिक्विड इंजेक्ट करता है। तो क्या होता है कि आपके पास ये जो वेट है जब आपके पास सॉलिड पाउडर निकल गया है आपका ये वेट नीचे गिर गया था। इसको दोबारा देखिए आपके पास किस तरीके से कि आपके पास जो उसका डिस्पेंसर में से जब काफी सारा सॉलिड मटेरियल है डिस्पेंसर में से सॉलिड मटेरियल काफी ज्यादा डिस्चार्ज हो चुका है तो डिस्पेंसर के अंदर सॉलिड का मटेरियल का वेट कम हो गया है और जो सॉल्यूशन है आपका बाइंडिंग सॉल्यूशन उसका वेट ज्यादा है। तो इसके बाद वो दोबारा रिस्टार्ट करने के लिए स्प्रेइंग को ये वेट गिरा देगा। अब आपके पास जो है प्रोग्राम दोबारा रिस्टार्ट हो जाएगा और ये आपकी स्प्रे होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से पीरियोडिकली ये कंटिन्यूअसली आप प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं और आपके पास एक यूनिफॉर्म साइज के आपके ये जो एग्लोमरेट्स हैं वो एग्लोमरेट्स आप हासिल कर सकेंगे। तो ये हमारे पास एक रोटरी पैलेटाइजर है आपके पास बेसिकली कि रोटरी फॉर्म में आपको ये जो है एग्लोमरेट्स आपको बना के दे रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास मैंने अभी आपको प्रेस एग्लोमरेशन का जिक्र किया था। हम जरा देखते हैं कि प्रेस एग्लोमरेशन के अंदर आपके पास क्या होता है कि आपके पास किस तरीके से जो प्रेस जो पैलेटाइजर है वो किस तरीके से काम कर रहा होता है। ये देखिए अगर आपके पास बेसिकली ये प्रेस करने के लिए आपके पास एक मैकेनिज्म है, इसके नीचे एक सीव लगी होती है, वो सीव आपको नजर नहीं आ रही क्योंकि इसके ऊपर सॉ डस्ट पड़ी हुई है। तो बेसिकली आप देखिए जैसे तूड़ी डालते हैं तो तूड़ी जानवर बहुत ज्यादा जाया कर देता है, लेकिन अभी ये इस तूड़ी को इस सॉ डस्ट को ये प्रेस जो पैलेटाइजर है ये प्रेस कर रहा है बेसिकली। और प्रेस करने के बाद अभी आप जब डिस्चार्ज में देखेंगे किस तरीके से आपको एक यूनिफॉर्म साइज की एक लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों की माने एक कॉम्पैक्ट हालत में आपको पैलेट्स आपको मिल जाएंगे, आपको एग्लोमरेट्स मिल जाएंगे और वो जो आपको एग्लोमरेट्स मिलेंगे पर जानवरों की फीडिंग के लिए वो बड़े ही यूनिफॉर्म है और बड़े इफेक्टिव है। तो ये आपका कॉन्टिन्यूसली ये वेट जो है जो कॉम्पैक्ट है जो प्रेशराइज कर रहा है बेसिकली ये रोटेट कर रहा है, इसके नीचे एक डिस्क है जो डिस्क भी रोटेट कर रही है और ये देख सकते हैं कि आपके पास जो एग्लोमरेट्स है
ये इस तरीके से सॉलिड फॉर्म के अंदर, देखिए आपके पास सॉ डस्ट थी, ये सॉलिड फॉर्म के अंदर आपके पास ये एग्लोमरेट्स हैं, ये एग्लोमरेट्स आ रहे हैं, और ये जो आपके पास सॉलिड एग्लोमरेट्स है ये बड़ा इसका यूनिफॉर्म साइज है, और यूनिफॉर्म जो साइज है ये डिपेंड कर रहा है बेसिकली जो प्लेट के, अभी मैं आपको एक और वीडियो में दिखाऊंगा किस तरीके से ये आपको इसके अंदर प्रोडक्ट बेसिकली वो उसमें से वो निकलता है। ये आपके सिर्फ सॉ डस्ट है, तूड़ी है आपने डाली है, उसकी मदद से आपने कॉम्पैक्ट हालत में, ताकि जो जानवर जब आप उसको फीड के तौर पर यूज करें तो वो इस फीड को जाया ना करें, तो आप इस तरह उसके ऊपर कवर करके कोई एक कोन शेप कोई ऑटोमेटिक फीडर लगा सकते हैं, ताकि आप इस प्रोसेस को मजीद जो है यूनिफॉर्म बनाने के लिए आप उसको चलाने के लिए कर सकते हैं। ये हमारे पास प्रेस एग्लोमरेशन है, ये हमारे पास प्रेस पैलेटाइजर है, ये छोटे साइज का है लेकिन इंडस्ट्री में इस तरह के बड़े बड़े पैलेटाइजर बहुत कॉमन है और उनको एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है। एक इसी ये जो प्रेस पैलेटाइजर आपको दिखाया था, इसकी कंस्ट्रक्शन जरा देखते हैं ये है बेसिकली कैसे। ये देखिए कि आपको मैंने दिखाया ये टॉप के ऊपर जो दो वेट्स है आपके पास यहाँ पे, ये रोटेट कर रहे हैं, और रोटेट जब कर रहे होते हैं तो ये आपके पास ये लोड है जो कि जो बेसिकली प्रेशर कर रहा है, और इसके नीचे एक प्लेट है, सीव प्लेट आप देख सकते हैं, ये सीव प्लेट है जिसके अंदर से आपके जो पैलेट्स हैं वो बन बन के डिस्चार्ज हो रहे हैं, वो सीव प्लेट कंटिन्यूअसली रोटेट करती जा रही है, और जब वो सीव प्लेट रोटेट कर रही है तो जो आपके उस इस रोल के नीचे बेयरिंग रोल के नीचे आती है वो आपका जो फीड मटेरियल है उसको वो प्रेस करती है, और प्रेस करने के बाद आपके जो पैलेट्स हैं वो पैलेट्स आपके डिस्चार्ज हो जाते हैं इन द फॉर्म सॉलिडिफाई हो जाते हैं, और सॉलिडिफाई होने के बाद डिस्चार्ज हो जाते हैं। किस तरीके से आप देख सकते हैं ये आपके व्हील वगैरह लगाकर आपको अटैच किया है, और यहाँ से आप आपको इस तरह की चिंगारियां वगैरह उठती नजर आ रही हैं, यहाँ से आपको जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आपको हासिल हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ और खास तौर पर हमारे पास मैं एक और आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ, उस वीडियो के अंदर ग्लाट एक बहुत वर्ल्ड रिनाउंड कंपनी है जो कि आपको एग्लोमरेशन के डिफरेंट किस्म के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, तो ग्रैनुलेशन टेक्नोलॉजी के अंदर इनका बड़ा नाम है, और खास तौर पर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो इनके बड़े इनोवेटिव सॉल्यूशंस हैं, ये बड़े इनोवेटिव टेक्निक्स हैं, इनके जो प्रोसेसेस हैं वो हम कुछ जो प्रोसेसेस हैं वो प्रोसेसेस हम देखते हैं किस तरीके से आपके पास जो ग्लाट है उनके वो यूनिफॉर्म उनके प्रोसेस हैं। इसका पहला जो प्रोसेस है बेसिकली स्प्रे एग्लोमरेशन जो प्रोसेस है, इस स्प्रे एग्लोमरेशन प्रोसेस के अंदर हम आप पहले सॉलिड पार्टिकल्स जो है जो आपका उसको चार्ज कर रहे हैं, उसको फीड कर दिया, फीड करने के बाद ये आप बेसिकली आप फ्लूडाइजेशन कर रहे हैं। फ्लूडाइजेशन के अंदर क्या किया है, आपको जो रेड सी नजर आ रही है आपने एयर ऐड कर दिया, एयर जब आप क्रॉस फ्लो यानी कि देखिए आपने टॉप से सॉलिड डाल दिए उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में आपने एयर फ्लो कराई है, एयर फ्लो कराने से अब आपके ये सॉलिड पार्टिकल्स है ये अब सस्पेंडेड फॉर्म में आ गई है, ये फ्लो की हालत में आ गई है, ये जो देखें डस्ट अब उड़ रही है, आप ये उड़ती हुई जो डस्ट है वो फ्लो की हालत में आ गई है, इस स्टेट का नाम बेसिकली फ्लूडाइजेशन है। इसकी आम मिसाल आंधी है, देखिए आप आंधी जब आती है तो आप देख सकते हैं कि आपके पास वो जो मट्टी जमीन पे पड़ी होती है वो मट्टी उड़ने लग जाती है, तो मट्टी खुद से नहीं उड़ रही, बेसिकली जो एयर है उस एयर ने अपने साथ मट्टी को उड़ा लिया है, और मट्टी जब उड़ के हवा में आ गई है तो वो एक फ्लूड हालत में है, कभी कभार मट्टी आप देखते हैं बड़ी देर तक डस्ट खड़ी हो जाती है, तो आप कह सकते हैं कि आपके पास जो फ्लूड स्टेट भी है। इसी तरह हमारे पास जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं आपके पास बेसिकली जब आपने सॉलिड की चार्जिंग की है, पहले फर्स्ट स्टेप के अंदर आपके चार्जिंग प्रोसेस है, डस्ट जो सॉलिड पार्टिकल्स है उसको आपने फिल कर लिया, और उसके बाद आप एयर एंटर कर रहे हैं, और एयर एंटर करके आपने फ्लूडाइजेशन आपने स्टेट जो है वो कांस्टेंट एयर स्ट्रीम देकर आपने एक फ्लूडाइजेशन की जो स्टेट है उसको मेंटेन कर लिया है। उसके बाद अब आप स्प्रे कर रहे हैं बेसिकली, अब आप वो जो बाइंडिंग मटेरियल है उसको स्प्रे कर रहे हैं, और उस स्प्रेइंग करने से आपके टॉप से वो स्प्रेइंग कर रहे हैं, तो स्प्रे करने से अब आपके वो एग्लोमरेट यहाँ से आप देखते जा रहे हैं कि वो बेसिकली उनके बाइंडिंग मटेरियल है, एयर ने उसको सस्पेंड किया हुआ है, आपके पास ये एग्लोमरेट बनते जा रहे हैं। उसके बाद आप जो है बाइंडिंग मटेरियल डालना बंद कर देंगे, आप जो है उसको ड्राइंग स्टेट में लेके आएंगे, फ्लूडाइजेशन रोक देंगे, और उसके बाद आप जो है अपने सॉलिड पार्ट जो एग्लोमरेट ग्रैनुल्स हैं उनको आप डिस्चार्ज करा लेंगे। इसी तरह एक और इसके अंदर मैकेनिज्म है कॉन्टिन्यूस स्पाउटेड बेड, उसके अंदर देखते हैं उसके अंदर किस तरीके से आप ग्रैनुल्स बना सकते हैं। ये देखिए कि आपके पास बेसिकली हमारे पास यहाँ पर
स्प्रे जो ग्रेनुलेशन है आपके पास, कांस्टेंट एयर जो आपके पास आ रही है, कांस्टेंट एयर आप एंटर करा रहे हैं और वो कॉन्टिन्यूसली इन नोजल्स के जरिए आपकी जो गैप्स हैं उनमें एंटर हो रही है। उसके बाद आपका जो मटेरियल है बेसिकली वो आपके जो स्प्रे कर रहे हैं आप, जो बाइंडिंग मटेरियल है वो इस तरीके से स्प्रे हो रहा है और इस तरह से वो सर्कुलर एक पाथ बना रहा है। सर्कुलर पाथ बनाने के बाद आपके पास वो जो सॉलिड मटेरियल मौजूद थे उनके साथ साथ आपके किस तरीके से क्योंकि एयर कॉन्टिन्यूसली आ रही है लिक्विड के साथ कनेक्ट कर रही है आपके पास। अच्छा आप ये ज़्यादा देखिएगा यहाँ पर कि आपके पास बेसिकली क्या हो रहा है कि ये आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट है एग्लोमरेट की शक्ल में वो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। यहाँ पे एक स्क्रीन लगी हुई है। अच्छा स्क्रीन करके जो आपका स्क्रीनिंग करेगी और जो आपका यूजफुल सही साइज होगा एग्लोमरेट्स का वो तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, जो आपको ग्रैनुल्स हैं वो यहाँ से मिल जाएंगे। फिर जो आपके पास लेट्स से क्या आपके पास कोई ओवर साइज होगा वो आपका यहाँ पर मिल में आ जाएगा, मिल ओवर साइज में क्रश करेगी, जैसे कोई ग्राइंडिंग मिल है क्रश करेगी और पाउडर। और जो आपका अंडर साइज होगा, ओवर साइज का मतलब है कि जो यूजफुल साइज से बड़ा है ओवर साइज, और जो अंडर साइज है जो छोटा है वो आप दोबारा उसको फीड करते रहेंगे। इस तरीके से आपका ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब ये जो फीड कर रहे हैं आप देखें, ये जो फीड कर रहे हैं ये बेसिकली सीड का काम करेगा। अब इस फीड अब आपका स्प्रे जो है कॉन्टिन्यूसली स्प्रे होता रहेगा और उसका एग्लोमरेट का साइज बढ़ता रहेगा और एयर की हालत की वजह से उसको सस्पेंडेड भी रखेगा। इसको दोबारा रिवाइंड करके देखते हैं थोड़ा सा आपके पास किस तरीके से हम जो है कॉन्टिन्यूस स्पाउटेड बेड जो एक और टेक्नोलॉजी है, तो उस टेक्नोलॉजी के अंदर हमने बेसिकली क्या किया है कि आप जो एयर है उस एयर को आप एंटर करवा रहे हैं। यह साइड से आप देख रहे हैं फैमिली भी है कि आपके पास कॉन्स्टेंट एयर स्ट्रीम आपकी एंटर हो रही है, यह साइड से आपकी गैप से एंटर हो रही है। उसके बाद आपके पास ये जो स्प्रेइंग हो रही है बेसिकली आपके पास जो एक सर्कुलर प्रोडक्ट फ्लो के अंदर आपके पास ये स्प्रेइंग की जा रही है। अच्छा उसके बाद आपके पास ये इस ड्यूरिंग द स्प्रेइंग जैसे आपको बताया कि जो आपका अंडर साइज और जो ओवर साइज वगैरह के पास प्रोडक्ट जो सीड आ रहे हैं ग्रैनुल्स के, उन सीड के ऊपर जब ये स्प्रे गिरता है तो उसका साइज बढ़ता जाता है और वो एयर की वजह से सस्पेंड होकर आपका जो प्रोडक्ट है वो डिस्चार्ज होता जा रहा है और वो जो प्रोडक्ट आपका डिस्चार्ज होता जा रहा है वो उसको फिर जिसको ओवर साइज है और वो अंडर साइज है उसको किस तरीके से आप उसको अलग कर रहे हैं, उसको दोबारा आप उसको रिसाइकल कर रहे हैं और ये आपके पास प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। एक और हमारे पास हाई शेयर ग्रैनुलेटर है, ग्लाड कंपनी का एक और टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर आप शेयरिंग का प्रिंसिपल भी यूज कर रहे हैं बड़े इफेक्टिवली। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास क्या होगा कि आपके पास जो इक्विपमेंट है उस इक्विपमेंट के अंदर हमने शेयरिंग भी करनी है। इनिशियली आपने सॉलिड पार्टिकल को चार्ज कर दिया, भर दिया। अभी आपने नीचे देखा था रोटर लगा हुआ था, वो रोटर अब आपके पास ये मूव कर रहा है। तो रोटर मूव करने के बाद आप आपके पास जो मूव करने के साथ साथ आप ये ऊपर से ये ब्लू कलर का जो नजर आ रहा है ये आपके पास बाइंडिंग मटीरियल था, ये बेसिकली शेयरर है। वो ये शेयरर था कि जो कि आपको शेयर करता रहेगा ताकि आपका जो ग्रैनुल्स हैं वो ग्रैनुल्स आपके कंटिन्यूअसली बनते जाएं और ये प्रोसेस इस तरीके से हम उसको कंप्लीट करा देते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर इसको बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली यूज किया जाता है। इस शेयरिंग जो शेयरर ग्रैनुलेटर है उसके अंदर आपके पास ये एक जेड शेप स्पेशल किस्म का रोटर है, ये 3D मिक्सिंग करता है आपकी। और इसके अलावा आपके पास ये क्रॉस ब्लेड चॉपर है जो कि शेयरिंग कर रहा था जो आपको उसके अंदर दिखाया गया। ये बेटा जो वीडियोस हैं ये आपके जो वीडियोस के जो लिंक्स हैं मैंने आपके LMS और OCW.PFUEIT.EDU.PK उन पर ये अवेलेबल है ये लिंक्स। प्लीज़ वॉच दिस वीडियोस ताकि आप उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें। तो उसके साथ साथ मैंने ये लिंक्स वगैरह सारे आपको ये दे दिए हैं। ये कुछ वीडियोज़ हैं, ये बड़ी वीडियो है कि 2-2 मिनट की वीडियोज़ हैं ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें ये प्रोसेस हो किस तरीके से रहा है। आप इसी तरह ये जो आपके पास बेसिकली जो हमारे पास पैन पैलेटाइजिंग प्रोसेस है उसके अंदर हमारे पास जो चार्ज है वो चार्ज जो आप सॉलिड ऐड कर रहे हैं जो बल्क सॉलिड ऐड कर रहे हैं उनके ऊपर बेसिकली एट डिफरेंट रोटेशनल स्पीड्स क्या प्रोसेस हो रहा होगा जरा उसको देखते हैं।
ये देखिए आपके पास ये एक ये रोटरी ड्रम के अंदर भी ये प्रोसेस उसी तरह होगा, ये तमाम जो आपके पास पैन पैलेटाइजर के एग्जाम है उन तमाम पर ये प्रोसेस इस तरह लग रहा होगा कि आप एक खास रोटेशन स्पीड है उसकी N1 रोटेशनल स्पीड के साथ ये फ्लो कर रहा है, रोटेट कर रहा है आपका पैन पैलेटाइजर या ड्रम पैलेटाइजर, ये रोटेट कर रहा है। अच्छा अब देखिए इस स्टेट पे देखिए कि अब आपकी जो यहाँ पर जो वेलोसिटी उसकी जो रोटेशनल स्पीड है वो N2 है और ये N2 N1 से ज्यादा है। अब आप देख सकते हैं जब स्पीड ज्यादा हुई है तो आपके पास यहाँ पर शायद थोड़ी बहुत स्लाइडिंग हो रही थी, लेकिन यहाँ पर स्लाइडिंग होने के साथ साथ अब यहाँ पर रोलिंग भी शुरू हो गई है। अब हम थर्ड स्टेज पे आते हैं, अब आपने स्पीड N3 जो है मजीद इंक्रीज कर दी है जो कि N1 और N2 से ज्यादा है। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास वो और ज्यादा तरीके से उसकी जो रोलिंग है वो स्लाइडिंग के साथ साथ जो रोल, ये देखिए ये स्लाइडिंग है बेसिकली और आपकी जो रोलिंग है वो इंक्रीज कर गई है। अब आप जो स्टेज 4 है यहाँ पर N4 बेसिकली आपके पास आप ऑपरेट कर रहे हैं एट 75% ऑफ द क्रिटिकल स्पीड। अब आप 75% ऑफ द क्रिटिकल स्पीड पे जब ऑपरेट कर रहे हैं आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वो अपना कॉन्टैक्ट ब्रेक करती है और गिर रहे हैं, तो बेसिकली आपके पास कोई शेयरिंग हो रही है। तो ये आपको स्टेज, ये जो प्रोसेस है ये स्पीड अनवांटेड है क्योंकि ये एग्लोमरेट्स को डैमेज कर देगी, एग्लोमरेट्स को ब्रेक कर देगी, हमारे लिए ये यूजफुल नहीं है, लेकिन इस स्टेट पर इस तरीके से आप उसको देख सकते हैं। अच्छा अब हमारे पास एक N5 एक स्पीड है इस पैलेटाइजर की या ग्रैनुलेटर की कि जो कि बेसिकली क्रिटिकल स्पीड से भी ज्यादा है, उस वक्त आप देख सकते हैं। अब आपके पास एक सेंट्रीफ्यूजिंग की जो मुकम्मल स्टेट डेवलप है, आपका जो मटेरियल है ना वो स्लाइड हो रहा है ना वो आपका रोल हो रहा है और ना वो जो है कैस्केड है ना वो कैटरैक्ट हो रहा है और वो आपका मटेरियल मुसलसल इन कॉन्टेक्ट है और ये आपका कोई एग्लोमरेशन नहीं होगी, दिस इज जस्ट प्योर वेस्टेज ऑफ एनर्जी। अच्छा सर देखिए ये जिस तरीके से आपको ये दिखाया था कि यहाँ पर ये पैन है, इसी तरह इसी चीज को हमने बॉलिंग ड्रम्स के अंदर बताया है कि बॉलिंग ड्रम्स के अंदर देखते हैं बेसिकली हो क्या था आपके पास। ये देखिए कि आपके पास जो डिफरेंट पैटर्न्स हैं जब आपका बॉल रोटेट कर रहे होते हैं तो आपके पास जो पैटर्न है कि अगर आपकी जो रोटेशनल स्पीड है ड्रम की बहुत स्लो हो तो बेसिकली आपका मटेरियल स्लाइड हो रहा होगा। स्लाइड करने का मतलब है कि यहाँ से वो कॉन्टेक्ट मेंटेन करता हुआ यहाँ से यूं होता रहेगा, यूं होता रहेगा, यूं होता रहेगा, यूं होता रहेगा, ये स्लाइडिंग है बेसिकली। अगर आप मजीद थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं तो बेसिकली आपकी रोटेशनल स्पीड 8-14 RPM है और आपका 6-10 डिग्री एंगल ड्रम का एंगल है, तो अब आपकी क्या होगी कि आपकी बेसिकली मटीरियल जो है वो स्लाइड कम होगा बल्कि रोल ज्यादा होगा, आपको इस तरह रोल होना शुरू हो जाएगा आपका मटेरियल, ये स्लाइड यूं नहीं हो रहा होगा बल्कि आपका साथ साथ इस तरह रोल भी हो रहा होगा। लेकिन आप जब फर्दर इसको आप मटेरियल की स्पीड को जो आप इसकी ड्रम की स्पीड को फर्दर इंक्रीज कर देते हैं तो बेसिकली अब मटेरियल कैटरैक्ट कर रहा है, अब वो क्या कर रहा है जैसे बॉल मिल के अंदर जब अपना कॉन्टैक्ट ब्रेक करता था वो टॉप से गिर रहा है, आपके पास साइज रिडक्शन कर रहा है, वो आपका जो है वो डैमेज कर रहा है, बड़ी अनवांटेड स्टेट है कि उस वक्त आपके पास जो एग्लोमरेट्स हैं वो टूटना शुरू हो जाएगा। जरा मजीद देखते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पर एक कैस्केडिंग और कैटरैक्टिंग हमारे मजीद दो तस्वीरों के अंदर आपको एक्सप्लेन की गई है। जरा देखिएगा कि कैस्केडिंग आपके पास क्या है कि आपकी ये जो कैस्केडिंग है ये आपकी क्या है कि ये इनिशियल क्या है, ये स्लाइडिंग हो रही है, सॉरी ये आपके पास यहाँ पे स्लाइडिंग हो रही है, जस्ट ये देख रहे हैं आप स्लाइडिंग है और साथ साथ स्लाइडिंग के साथ साथ थोड़ी बहुत रोलिंग भी है, थोड़ी बहुत रोलिंग भी है, जबकि जो कैटरैक्टिंग है हमारे पास तो कैटरैक्टिंग है, कैटरैक्टिंग को देखिए आपके पास ये जो स्लाइड किया और स्लाइड करने के बाद वो टॉप पर जाके उसने कॉन्टैक्ट ब्रेक किया, थोड़ा सा रोल किया, उसने कॉन्टैक्ट ब्रेक किया, टॉप से नीचे गिरा, इस अमल को कैटरैक्टिंग कह रहे हैं, यानी कि जो कॉन्टैक्ट ब्रेक करके जो टॉप से वो नीचे गिर रही है और आपकी साइज रिडक्शन कर रही है, एग्लोमरेट को तोड़ रही है, इस अमल का नाम है कैटरैक्टिंग। ये जो स्टेट है कैस्केडिंग, तो हमारे लिए जो कैस्केडिंग है इट्स मच बेटर देन द कैटरैक्टिंग बिकॉज एट कैटरैक्टिंग our agglomerates will start breaking, our granules will break and our product will be deformed or low quality product will be obtained. अब अगर देखते हैं कि जो cataracting जो mode है उसके अंदर basically होता क्या है, cataracting mode के अंदर आप ये देखिए कि आपके पास ये है आपका angle of rotation, इस तरीके से आपका rotate कर रहा है और ये आपके पास basically यहाँ पे आप देख सकते हैं empty zone है, कोई material मौजूद नहीं है। अब आपके पास जब यह material साथ साथ उसने rotate करना शुरू किया उसके बाद जब वो हाई स्पीड से यू इंपैक्ट कर रहा है तो आपके पास जो आपके ग्रैनुल्स बने हुए थे वो इंपैक्ट कर रहे हैं,
इस जगह का नाम इम्पैक्ट जोन है, और इम्पैक्ट जोन के बाद जब ये आपके मटेरियल्स इम्पैक्ट करते हैं तो उसके साथ साथ ये जब रोल भी हो रहे हैं तेजी से साथ, तो बेसिकली रोल होने के साथ साथ आपके पास यहाँ पर ये एक एब्रेशन जोन क्रिएट हो जाएगा, कि यहाँ पर आपके जो एग्लोमरेट्स हैं वो एब्रेशन होगी, उनकी साइज रिडक्शन होगी, उनका साइज फर्दर छोटा होता जाएगा। यहाँ पर डेड जोन लिखा हुआ है, डेड जोन का मतलब यह है कि यहाँ पर कोई चीज मटीरियल नहीं है, जैसे गैप्स हैं, क्योंकि उनकी यहाँ पे जो लार्ज एग्लोमरेट्स होंगे वो आपके कॉन्टैक्ट बॉल के साथ होगा, स्मॉल ऊपर होंगे तो उनके दरमियान में जो एम्प्टी गैप्स होंगे उनको हमने डेड जोन कहा है, वहाँ पे कोई मटेरियल मौजूद नहीं है। अब आपने बेसिकली आपकी जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को भी आपने रिड्यूस कर दिया है, अब आप रिड्यूस कैपेसिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा, अब हमारे पास इंडस्ट्री के अंदर जो पैलेटाइजिंग सिस्टम हम यूज करते हैं, बेसिकली उन पैलेटाइजिंग सिस्टम को यूज करने के लिए आपके पास ये देखिए कि कोई हमारे पास यहाँ पर एक मिक्सर है और ये बॉलिंग पैन पैलेटाइजिंग सिस्टम है, कि आपके पास यहाँ से फीड है और ये कोई एडिटिव्स हैं जो ऐड किए जा रहे हैं। फीड एडिटिव से मुराद ये है कि यहाँ पर आपको जो बाइंडिंग मटेरियल है जो ऐड किए जा रहे हैं, और उसके बाद आपके पास यहाँ पर ये मिक्सर है, मिक्सर के अंदर आपने उसको मिक्स किया है, मिक्स करने के बाद आप उसको यहाँ पर एक उसको जो है डोजर के अंदर ले आए हैं, जहाँ से आप उसको डोज कर रहे हैं। आप कॉन्टिन्यूसली जब डोज कर रहे हैं तो यहाँ से आपके ये बॉलिंग पैन है जो कि रोटेट कर रहा है, और बॉलिंग पैन के ऊपर से आपको बाद यहाँ से पैलेट्स मिलते जा रहे हैं। इस तरीके से कोई आपके पास इंडस्ट्रियल पैलेटाइजिंग बॉलिंग पैन पैलेटाइजिंग सिस्टम होगा। अच्छा, अब जो ड्रम सिस्टम है वो किस तरीके से इंडस्ट्री के अंदर होगा, कि आपके पास शुरू में इसी तरह होगा कि आपके पास कोई फीड मटेरियल है, उस फीड मटेरियल के अलावा आपके एडिटिव्स हैं, वो एडिटिव्स डाल दिए, आप उनकी मिक्सिंग करेंगे, उस मिक्सिंग करने के बाद आप यहाँ पर इसको बॉलिंग ड्रम में आप ऐड कर देंगे, और यहाँ बॉलिंग ड्रम से आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बेसिकली आप स्क्रीन पे आ जाएगा। जब आपकी स्क्रीन होगी जो आपका बिल्कुल करेक्ट साइज होगा, जो रिक्वायर्ड साइज होगा, उसकी वो स्क्रीन आपको पैलेट्स आपको यूज दे देगा, या आपको प्रोडक्ट पैलेट्स में आ जाएगा। और जो आपका ओवर साइज मटेरियल होगा, यानी कि जो आपके यूजफुल प्रोडक्ट से बड़ा साइज है, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट से बड़ा जो साइज है वो ओवर साइज कह रहे हैं, वो इस मिल में आ जाएगा। मिल जो है इसको दोबारा साइज रिडक्शन करके पाउडर कन्वर्ट हालत में कन्वर्ट करके इसको दोबारा जनाब यानी आपकी बॉलिंग ड्रम में भेज देगी। और जो अंडर साइज है, जो कि वो साइज है आपके जो कि एग्लोमरेट का जो कि यूजफुल या रिक्वायर्ड साइज से छोटा है, इसको डायरेक्टली आप जो है अपने ड्रम के अंदर, आप बॉलिंग ड्रम के अंदर आप भेज रहे हैं, और आप इस तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलाते रहते हैं। दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस हाउ द बॉलिंग ड्रम पैलेटाइजर सिस्टम इज यूज्ड इन द केमिकल इंडस्ट्री। अच्छा, ये देखिए एक यहाँ पर आपको एक एक्सपेरिमेंटल रोटरी ड्रम ग्रैनुलेटर है जो शो किया गया है। बेसिकली ये जो एक्सपेरिमेंटल रोटरी ड्रम ग्रैनुलेटर शो किया गया है, ये खास तौर पर हम बायो एश जो आप वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं वहां से हमें एक सीवेज स्लज मिलती है। जैसे आपको ये समझे कि जो आपके पास जो गारा उसका मिलता है, उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे मटेरियल मौजूद हैं, उसके साथ उसके अंदर जो आपकी फर्टिलाइजर है उसका ऐसा फर्टिलाइजर आप यूज कर सकते हैं। तो हमें वो जो सीवेज स्लज मिली है उसके साथ साथ आप कोई बायो एश और लाइम को जो आपके पास जो है कैल्शियम ऑक्साइड है उसको यूज करते हुए आप कोई फर्टिलाइजर बना रहे हैं, बड़ा चीप सस्ता फर्टिलाइजर बना रहे हैं, जो कि आप उसको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए आप उसको यूज करेंगे। उसके लिए सिंपल सा आपके पास एक रोटरी ड्रम ग्रैनुलेटर है जिसके अंदर आपके प्री मिक्स, जैसे अभी हमने देखा था सारे जो मिक्स करके प्री मिक्स मटेरियल आप ऐड कर देते हैं, वो रोटेट करता जा रहा है, और आपके रोटेट करने के बाद जो आपके ग्रैनुल्स हैं वो आपके यू डिस्चार्ज हो रहे हैं। इंडस्ट्रियल जो स्केल आपकी जो रोटरी ड्रम ग्रैनुलेटर है तो इस किस्म के आप देख सकते हैं, हमारे इंडस्ट्रियल स्केल रोटरी ड्रम ग्रैनुलेटर है। एक छोटा सा हम वीडियो देखते हैं मजीद, एक लास्ट वीडियो है हमारे पास, कि ये एनपीके एक फर्टिलाइजर है जो बेसिकली आपके जो नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटाशियम इन तमाम फर्टिलाइजर्स को मिलाकर आप उसको बना रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि रोटरी ड्रम ग्रैनुलेटर है, आपने फीड जो सॉलिड पार्टिकल्स है किस तरीके से ये रोटरी ड्रम ग्रैनुलेट कर रहा है, और इस रोटेशन की वजह से आपके पास कोई जो ग्रैनुलर आपके पास जो ग्रैनुल्स हैं वो बनेंगे। एनपीके ये बेसिकली फर्टिलाइजर है जिस फर्टिलाइजर के साथ हम उसको अपने ग्रैनुलेटर के अंदर एक रोटरी ड्रम ग्रैनुलेटर के अंदर हम रोटेट करा रहे हैं। तो रोटेट कराने से आपके वो जो ग्रैनुल्स हैं
वो मजीद ग्रैनुल्स रेगुलर फॉर्म में ग्रैनुल्स बनेंगे, वो जो ग्रैनुल्स बनते जा रहे हैं वो आपके इस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर आ रहे हैं, और कन्वेयर बेल्ट के ऊपर वो जो ग्रैनुल्स हैं आप उसको कॉन्टिन्यूसली हासिल करते जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी सी धुंधली है, इस तरीके से ये आपके जो ग्रैनुल्स हैं ये आपके पास एनपीके फर्टिलाइजर से आपने इस तरीके से ये ग्रैनुल्स बना लिए। एनपीके फर्टिलाइजर आप मजीद डिटेल में जो है आप वहाँ पर अपने सीपीटी में इंशाल्लाह केमिकल प्रोसेस टेक्नोलॉजी में नेक्स्ट सेमेस्टर में आप डिटेल हमारे पास इंडस्ट्री के अंदर मौजूद है, जिसकी मदद से हम एग्लोमरेट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस इफेक्टिवली हम बना रहे हैं। बेटा कुछ रिकमेंडेड बुक्स हैं, आई वुड रिकमेंड कि आप जो है इनको डाउनलोड कर लें, एलएमएस पर उनकी लिंक्स अवेलेबल हैं, और ये वीडियोस जो हैं आप लोग जरूर बेटा इसे देखें, डाउनलोड कर लें आप उनको ताकि आपको क्लियर हो जाए। बेटा कोई आपके अगर सवालात हो, योर क्वेश्चंस आर ऑलवेज वेलकम, either write me an email at asim.ali@kfuiit.edu.pk or whatsapp me, मैं आपको जो भी आपका सवाल होगा इंशाल्लाह मैं उसका जल्द अज जल्द कोशिश करूंगा कि आपको जवाब दे दूं। उसके अलावा हमारे जो लाइव सेशन होते हैं, लाइव सेशन हमारे मंडे को और वेडनेसडे को 11 से 12:30 बजे ये हमारा फिक्स टाइम है, उस दौरान आप जो है मैं आपको लाइव सेशन से 5 मिनट पहले गूगल मीट का एक लिंक शेयर कर देता हूँ, तो आप मजीद अपने जो सवालात है गूगल मीट के जरिए जो है उस लाइव सेशन में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।